हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और यकीनन आप सब लोग अपने घरों में होंगे, आपने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अच्छा, कुछ देर पहले मैं कुछ वीडियोज देख रहा था जिसमें मैं जो लॉकडाउन किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे यूके, यूएसए, इटली, यूरोप में, उसके बाद चाइना में, हमारा हमसाया मुल्क, वहां पे जो लॉकडाउन किया गया, तो वहां पे लॉकडाउन के क्या मनाजर थे। अच्छा, उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में जब लॉकडाउन किया गया तो यहां पे क्या मनाजर थे, तो मैंने सोचा यार इस पे एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए कि कंपैरिजन किया जाए कि इन कंट्रीज का मुकाबला जब पाकिस्तान के लॉकडाउन से किया जाए तो वो मतलब वो कैसा लगता है। तो सबसे पहले मुलाहजा करते हैं कि जो यूएसए में लॉकडाउन लगाया गया वो कैसा है। जी, ये आपने देखा यूएसए का लॉकडाउन, ना बंदा ना बंदे की साथ, बिल्कुल खाली सुकूत। मतलब ये वो यूएसए जिसके बारे में बोला जाता था कि यूएसए कभी नहीं सोता, हर वक्त जागता है 24/7। तो अभी तो फिलहाल यूएसए की आपने क्या हालात देखे, बिल्कुल सड़कें खाली, बिल्कुल सुकूत, हू का आलम। अब जरा जाते हैं हम इटली की तरफ। जी, इटली के भी आपने हालात देखे। इटली में तो उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, जो बाहर निकलता है उसको जुर्माना भी होता है, पुलिस भी पकड़ती है उसको, जेल में भी बंद करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो अभी हम चलते हैं यूके की तरफ के, यूके में क्या हालात है। अंडरग्राउंड स्टेशंस बंद, बाहर भी जो मार्केट्स हैं वो बंद, यानी कि जो हकीकत में जो लॉकडाउन होना चाहिए वो लॉकडाउन वहां पे किया गया है। अब जरा चाइना को देख लेते हैं। ये आपने चाइना की एक तस्वीर देखी, इसमें भी आपको बिल्कुल बंदा ना बंदे की जात, मतलब बिल्कुल आपको खाली नजर आ रहा है, इसमें कोई लोग आपको नजर नहीं आ रहे। डेफिनेटली चाइना ने कंट्रोल भी इसको इसलिए किया है क्योंकि यही एक तरीका है कि चेन को ब्रेक करना और इस बीमारी को रोकना। अब जरा इंडिया की खबर ले लेते हैं कि इंडिया में क्या हालात है। असी समाज दे दुश्मन, असी घरे नहीं बैठ सकते, असी समाज दे दुश्मन। अच्छा, इंडिया में वो क्या कहते हैं, बैठ के शैठ के लगवा रहे हैं और साथ कुछ नारे वगैरह उनसे लगवा रहे हैं। तो जनसे डेफिनेटली जब आप लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलेंगे तो फिर ऐसी सूरत हाल होगी, पुलिस आपको पकड़ेगी। तो अब जरा मुल्क अजीज, वतन अजीज पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोरोना शर्मा गया, कोरोना से मुजरा करवा दिया इन लोगों ने, वो बेचारा क्राउन वायरस अंदर गया और उसकी ऐसी तैसी फेर दी उन्होंने मुजरा करवा के। कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में एक शहरी निजी अस्पताल पहुंचा तो उसके कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक हो गई। दूसरे मरीज का ताल्लुक गिलगित से है जो इस्लामाबाद में जेर इलाज है। जी कोरोना की मां की आंख, अरे कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो पाकिस्तान के हालात है जनाब, ये पाकिस्तान में हो रहा है तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना जब हमारे बीच में आता है तो कोरोना जनाब वो दूसरे लोगों के जिस्म के अंदर जाता है, हमारे जिस्मों को देख के कोरोना हमसे दूर भागता है, हमारी वाम से दूर भागता है। जिस तरह ये भाई साहब ठुमके लगा रहे थे और जिस तरह डांस कर रहे थे, कोरोना तो या तो इनके साथ पार्टी कर रहा होगा या तो इनसे डर के भाग गया होगा। वो भी कहता होगा भाई मिस्टेक हो गई है, ये मैं किस कंट्री में आ गया हूं, किन लोगों में आ गया हूं। तो वो तो बहरहाल कोरोना तो जनाब यहां पे बड़ी मुश्किल में। ये धुआं कैसा है? ओ तेरी, ओ नो,
कोरोना एक सीरियस बीमारी है, इसको मजाक में ना ले।